देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, हाउ मच मनी विल रिक्वायर्ड टू बाय 400, ठीक है, रुपीज 112.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1। ठीक है, क्या मतलब है? बोले कि आपको कितनी मनी चाहिए रिक्वायर्ड टू बाय 400। 400 में इज नंबर ऑफ शेयर्स दिए आपके पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास इज इक्वल टू 400। ठीक है, रुपीज 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम, इतने का शेयर रुपी 1 के प्रीमियम पर खरीदना है। 12.50 रुपीज का जो शेयर है वो 1 रुपीज के प्रीमियम पर खरीदना है। तो 12.50 क्या हो रहा है यहाँ पर? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू कितनी आ रही है? रुपीज 12.50। ठीक है, अब देखो प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम दिया है ₹1। ठीक है, देखो 12.50 रुपीज का शेयर आपने 1 रुपए प्रीमियम पर लेना है। ठीक है, तो आपने खरीदना है तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 शेयर की मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉमिनल वैल्यू प्लस जो प्रीमियम है इतने का, यानी कि रुपीज 13.50 रुपीज का वो 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, लिखा ना साफ, रुपीज 12.50 शेयर एट अ प्रीमियम। ठीक है, 12.50 रुपीज का शेयर आपने लेना है 1 रुपए प्रीमियम पर। ठीक है, इतने रुपीज उसकी नॉमिनल वैल्यू थी और आपने 1 रुपए ज्यादा पर लेना है, तो इतने पर लोगे। ठीक है, तो मनी रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी? मनी रिक्वायर्ड तो ठीक है, मनी रिक्वायर्ड कितनी आएगी? कितने शेयर खरीद रहे हो आप? 400, और 1 शेयर कितने का है? 3.50 का। तो मनी रिक्वायर्ड इज, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, जब आप शेयर खरीदोगे तो उसमें क्या लोगे कि पहली बात होगी कि क्या देखोगे, जब आप शेयर लोगे तो क्या देखोगे कि मुझे कितने शेयर खरीदने हैं, बाय करने हैं, ठीक है, और उनका जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होगी। तो आपको 400 रुपीज शेयर लेने हैं और एक की मार्केट वैल्यू 3.50 है, ठीक है, 13.50 है, तो 400 शेयर की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विच इज इक्वल टू कितना जगह, 0 54 रुपीज 5400। तो 5400 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, 400 शेयर की कॉस्ट होगी जब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 13.50। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो सेकंड क्वेश्चन सेम था जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो वो आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ पर्सन बायज 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू। तो हमारे पास क्या दिया है? नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स इज 120 एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40। ठीक है, 40 ईच, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी दी आपके पास? ₹40, विच ही सेल एट ₹42.50। ठीक है, उसने उसको इतने रुपीज का सेल कर दिया, यानी कि सेल कर दिया, यानी कि ये क्या होगी इसकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू ₹42.50। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। ठीक है, मैं 1 शेयर का प्रॉफिट निकाल लेता हूं, तो क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। निकाल तो आप टोटल करके भी सकते थे, लेकिन ये ज्यादा इजी है। ठीक है, देखो मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। यहां देखो क्लियरली कि जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से आपकी बड़ी है, दैट मीन्स यहां पर आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट वैल्यू कितनी आपके पास? ₹42.50 एंड नॉमिनल वैल्यू इज ₹40, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2.50। 2.50 प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 शेयर पे। ठीक है, 1 शेयर पर 2.50 रुपीज प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने शेयर कितने खरीदे हैं? 120। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज, देखो अगर 1 शेयर पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? जितने आपने शेयर खरीदे हैं, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 इंटू 2.50, यही आएगा।
ठीक है, एक शेयर पे इतना प्रॉफिट है तो 120 शेयर पे कितना होगा, 120 इंटू 2.50, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दो ठीक है, 300 रुपीज, ठीक है, तो 300 रुपीज उसे क्या हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया। अब बात ये प्रॉफिट परसेंटेज की बात, देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज देखो, फार्मूला फार्मूला खुद बनाना सीखो। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो किस पर निकलेगी, ठीक है, एक तो पहली बात है आपको जो प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय, ठीक है, देखो आपको प्रॉफिट कितने पर हुआ, आपको प्रॉफिट होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू 100। तो फार्मूले को याद करके लिखने हैं, आप इनको बना भी सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, मींस जितना आपको प्रॉफिट हुआ है कितने में से जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इनटू 100, ठीक है, एंड प्रॉफिट इज ₹300, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने, इन्वेस्टमेंट की थी आपने, देखो देखो वन इतने का तो आपने शेयर सेल किया था, इन्वेस्टमेंट कितनी आई, यही आई आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितनी आई इन्वेस्टमेंट इज 120 इंटू 40 इंटू 100%। एक बार फिर सुन लो, ठीक है, आपके दिमाग में होगा एक मार्केट वैल्यू, यहाँ मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, पर सुन लो मार्केट वैल्यू, देखो मार्केट वैल्यू ये तो आपने शेयर सेल कर दिया है, ये शेयर सेल कर दिया है, ठीक है, ये शेयर आपने सेल कर दिया है, लेकिन आपने लिया कितने का था, ₹40 का आपने लिया था, ठीक है, और 120 शेयर लिए तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 120 इंटू जितने का आपने शेयर लिया था, आपने ₹40 का वन शेयर लिया था, ओके, सॉल्व कर लो इसको, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, एंड दो जीरो कट गए, एंड 100, 3, 4, 25 एंड दिस इज 6.25, तो 6.25, ठीक है, तो 6.25% मुझे प्रॉफिट होगा, ओके, आया समझ में, ठीक है, फिर सुन लो यार एक बार, यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी जितने आपने शेयर लिए थे मल्टीप्लाई बाय जितने का आपने एक शेयर लिया था, तो ये था अ पर्सन बाय 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू, उसने नॉमिनल वैल्यू पर खरीदा था, ₹40 का उसने लिया था, तो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो उसने इन्वेस्टमेंट की नंबर ऑफ शेयर्स 120 और कितने का एक शेयर था 40 का, ठीक है, तो 4800 रुपीज उसने इन्वेस्टमेंट की थी, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं पहली बार इज इक्वल टू 80, ठीक है, ऑफ ₹60 ईच, हर शेयर जो ₹60 का है एंड व्हेन कॉटेड एट ₹, इतना यानी कि नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹60, ठीक है, आपको कॉस्ट निकालना है कि 85 शेयर का कॉस्ट निकालना है, ठीक है, जो कि ₹60 के थे व्हेन कॉटेड, ठीक है, जब उन पर कॉटेड किया था यानी कि उन पर प्रिंट किया था इतना रुपीज का, जब शेयर इतने रुपीज का था, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹63.25, ओके, लेकिन पूछे ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर का कॉस्ट निकालो, ऑफ ₹60 ईच जो ₹60 का है, ठीक है, एंड सॉरी व्हेन कॉटेड एट, ठीक है, जब उस शेयर पर प्रिंट किया था कि वो 63.25 का होगा, तो आप इतने का खरीदोगे, ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन शेयर, यही आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू रुपीज, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 5 से किया 25, 5 2 17 से करो, तो 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 6
ठीक है, तो ये आएगा 537.625, ठीक है, ओके। तो इतने रुपीस के उसे 85 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, एक बार ध्यान मल्टीप्लाई ठीक है कि नहीं ये आप चेक करना। चौथी 2 4 2 10 7, ठीक है, ठीक है, तो 85 शेयर्स कितने के आएंगे, इतने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ मैन इन्वेस्ट ₹800 इन बाइंग ₹5 शेयर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹800, ठीक है, देखो ₹800 उसने इन्वेस्टमेंट कर, इन बाइंग ₹5 शेयर, ₹5 का शेयर लेने के लिए, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दी आपके पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹5, ठीक है, एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1.15, जब उसने उसको सेल किया प्रीमियम पर, ठीक है, कितने प्रीमियम पर सेल किया उसने, ₹1.15, यानी कि 1.15 प्रॉफिट पर सेल किया एक शेयर, ठीक है, एक शेयर को कितने प्रॉफिट पर सेल किया, 1.15 इतना प्रॉफिट पर सेल किया, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 1 शेयर की, तो मार्केट वैल्यू 1 शेयर इज नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये मार्केट वैल्यू आएगी आपके पास, एंड विच इज इक्वल टू 6.15 रुपीज, तो 6.15 रुपीज का उसने एक शेयर सेल किया, ठीक है, ओके, इन्वेस्टमेंट उसने 800 की थी, नॉमिनल वैल्यू आपके पास दी हुई है, ठीक है, इन बाइंग ₹5 के शेयर को लेने के लिए, ₹5 का शेयर लेने के लिए ₹800 इन्वेस्टमेंट की है, तो यहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं, हालांकि कुछ नहीं आपसे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, देखो उसने ₹800 इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और एक शेयर था ₹5 का, तो डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 160, तो 160 शेयर्स आएंगे यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना मार्केट वैल्यू पर मत करते रहना यहां पर, थोड़ा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करो, ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट ₹800 इन बाइंग ₹5 शेयर्स, ₹5 का शेयर लेने के लिए उसने ₹800 इन्वेस्टमेंट किए, तो ₹5 का एक शेयर लिया, ठीक है, तो 800 के टोटल शेयर लिए, तो नंबर ऑफ शेयर कितना गए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन शेयर विच इज इक्वल 160, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, पूछा गया इसमें उन्होंने, एंड ही सेल्स ऑल द शेयर्स, सभी के सभी शेयर बेच दिए, फाइंड हिज प्रॉफिट, उसका आपने प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, उसे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब देखो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना होगा उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, ठीक है, देखो नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़े थे, हमने निकाल दिए वैसे भी ऑलरेडी, चलो कोई नहीं, ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना होगा उसको, जो जितने उसने शेयर लिए हैं मल्टीप्लाई बाय जो उसको एक शेयर पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मान लो मुझे एक शेयर पर, मान लो एक शेयर पर मुझे ₹10 प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास 100 शेयर है, ठीक है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, देखो ये फार्मूले को याद नहीं करना, ये फार्मूले खुद बनते हैं, प्रॉफिट आपको प्रॉफिट, ठीक है, अगर एक पेंसिल पर आपको ₹10 मिल रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है, या एक पेन पर आपको ₹10 प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो 20 पेन पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक पेन पे 10, एक पेन पर आपको ₹10 प्रॉफिट, तो 20 पेन पर कितना मिलेगा, 20 × 10, तो 20 क्या है यहाँ पर पेन, और यहां पर क्या है पेन की जगह शेयर, और 10 क्या है प्रॉफिट ऑन 1 पेन, ठीक है, और यहाँ क्या प्रॉफिट ऑन 1 शेयर बस, ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इज 160 एंड प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, एक शेयर पर कितना प्रीमियम मिल रहा है 1.15, तो ये आ जाएगा उसके पास प्रॉफिट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 160 × 115/100, 0 से 0 184, ठीक है, तो उसको 184 रुपीज प्रॉफिट होगा। अब आती है बात निकालने की, प्रॉफिट परसेंटेज,
तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या आ जाएगा, जितना आपको प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला, प्रॉफिट मींस डिविडेंड एक ही बात है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट की उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, इनटू 100%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज यही आएगी, प्रॉफिट डिवाइड बाय जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी। प्रॉफिट किस पर मिलता है, जिस पर उसने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, ओके। अगर मैं 100 रुपीज के पेन ले रहा हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 100 रुपीज पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एंड नाउ विच इज इक्वल टू प्रॉफिट इज 184 एंड इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी आपके पास 800 इनटू 100, ये परसेंट 0000 कट गया, ये आ गया 23। तो 23% उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है 23%। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि फाइंड द एनुअल इनकम, इनकम ठीक है। देखो एनुअल इनकम निकालनी है, एनुअल सॉरी एनुअल इनकम का मतलब है कि उसको, ठीक है, साल में कितना पैसा मिला, मींस डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनुअल इनकम का मतलब है डिविडेंड की बात करें, ये क्या आपके पास है डिविडेंड, यानी कि उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम 125, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने दिए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 125 रुपीज, 120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड। 120 रुपीज का जो शेयर है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दी आपके पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹120। ठीक है, ठीक है, 120 रुपीज का जो शेयर है वो डिविडेंड दे रहा है, कितना डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 5%। देखो एनुअल डिविडेंड निकालना है, ये परसेंटेज दी है आपको, ठीक है, वो आपको डिविडेंड निकालना है रुपीज में। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है आपके पास, डिविडेंड यहां पर क्या है एनुअल इनकम, ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, डिविडेंड का फार्मूला क्या था आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही था डिविडेंड। ठीक है, जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो किस पर देगी, उसकी नॉमिनल वैल्यू पर देगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स आर 125 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 5/100 एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 120, कितना आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया रुपीज 750। ठीक है, तो 750 उसको डिविडेंड मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 3072 इन ए कंपनी। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास दिए जो जो दिए वो लिखते जाओ, ₹3072। ठीक है, पेइंग 5% पर एनुअम, ठीक है, एनुअम, ठीक है, 5% पर एनुअम जो है वो पेइंग कर रही है कंपनी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या दिया है डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है 5%। When its rupees 10 share can bought for rupees 16, 10 rupees का share 16 rupees में लिया, ठीक है, तो nominal value क्या है, nominal value of one share is equal to rupees 10, 10 rupees का share 16 rupees में खरीदा। ठीक है, 10 rupees का share था, nominal value 10 rupees होगी, खरीदा कितने का 16 का, खरीदा means market value of one share is equal to ₹16। ठीक है, ये हमने लिखे जो दिया था, फाइंड हिज एनुअल इनकम। ठीक है, उसकी आपने एनुअल इनकम निकालनी है, मींस आपने क्या निकालना है, एनुअल इनकम मींस आपको निकालना है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड भी आपने निकालना है, तो डिविडेंड क्या होता है आपके पास, अभी किया था हमने, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। देखो जितनी बार फार्मूले लिखोगे याद हो जाएंगे,
जितनी कम बार लिखोगे उतनी आपको फार्मूले जल्दी भूल जाएंगे, तो जितना हो सकता है वहां उतनी आप उतनी बार में फार्मूले यूज करो और हर बार लिखो, ठीक है। एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, ठीक है। देखो यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर लिखा क्या है, इन ए कंपनी पेइंग 5% पर एनम व्हेन इट्स रुपीज 10 शेयर कैन बाउ रुपीज 16। देखो इन्वेस्टमेंट उसने की है 3072 उसने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन शेयर कितने का खरीदा, 16 रुपीज का वन शेयर खरीदा है, 16 रुपीज का वन शेयर खरीदा। नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय जितने का उसने एक शेयर लिया था, तो डिवाइड बाय 16। ये ध्यान रखना क्वेश्चन स्टेटमेंट को, ठीक है, कि हम यहाँ मार्केट वैल्यू से क्यों कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू फार्मूला तरह से, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है साफ साफ, हाँ मैन इन्वेस्ट रुपीज 3072 इन ए कंपनी पेइंग 5% पर एनम व्हेन इट्स रुपीज 10 शेयर, उसका जो 10 रुपीज का शेयर था कैन अबाउट रुपीज 16, 10 रुपीज का शेयर 16 रुपीज का लिया, ठीक है। आपने 3072 रुपीज इन्वेस्टमेंट की है और एक शेयर 16 रुपीज का लिया है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे, 3072 डिवाइड बाय 16, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, 192, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, 192, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 192, तो 192 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 5% इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज रुपीज 10, ठीक है। ये दिया आपके पास, ठीक है। तो देखो 5%, तो 0 से 0 5 2, तो कितना आ जाएगा रुपीज 96, तो उसको एनुअल इनकम कितनी होगी, उसको 96 रुपीज होगी। सेकंड निकालना हिज परसेंटेज इनकम, ठीक है। देखो परसेंटेज इनकम कितनी आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू जितना आपको डिविडेंड मिला, ऐसे होता है, डिवाइड बाय जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है, यही आएगा। तो कितना जाएगा, डिविडेंड आपको मिला 96, इन्वेस्टमेंट की थी आपने 3072 इनटू 100%, इसको सॉल्व कर लो, 4 से काटा ये 4 6 जा एंड 182, 6 से करो 32 एंड 25/8% मीन्स, ठीक है, 3 to 1/8, यानी कि डिवाइड कर दोगे तो 3.125%। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो ये लिख लो, ये तो सॉल्व करके ये आएगा, या तो फिर ये, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको कितनी परसेंटेज इनकम मिलेगी, 3.125%, ठीक है, या 3 to 1/8% उसको इनकम मिलेगी इन परसेंटेज, ओके।